जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की घोषणा की गई है, वहीं पर कुछ अस्पताल प्रधानमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। छाता क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित केडी मेडिकल कॉलेज इस समय आयुष्मान कार्ड धारकों को गुमराह करता नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि आज हरियाणा के रहने वाले साजिद के परिवार वालों ने केडी मेडिकल कॉलेज पर आयुष्मान कार्ड द्वारा इलाज न कराए जाने और गुमराह करने का आरोप लगाया है। साजिद के घर वालों ने बताया कि वे केडी मेडिकल कॉलेज में अपना आयुष्मान कार्ड लेकर इलाज कराने के लिए आए थे। जैसे ही वो अस्पताल में आए, उन्होंने अस्पताल में उपस्थित कर्मचारियों को इस बारे में अवगत कराया कि उनके पास आयुष्मान कार्ड है। उसके बाद कर्मचारियों ने कहा कि आप यहाँ इलाज करा लीजिए, आपका कार्ड चल जाएगा। लेकिन एक महीना होने के बाद जैसे ही ऑपरेशन का नंबर आया तो तत्काल उनके घर वालों को केडी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने ये कहा कि कार्ड नहीं चलेगा। ऐसे में मजबूर परिवार वाले क्या करते, उनके पास तो अब सोचने का भी समय नहीं था। वहीं दूसरी ओर उनके बच्चे की जिंदगी का सवाल था। उन्होंने कर्मचारियों से इसका उपाय पूछा, तब केडी मेडिकल कर्मचारियों ने कहा कि आप पैसे जमा कराइए, इनका ऑपरेशन तभी कराया जाएगा। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद आयुष्मान कार्ड धारक के परिवार वालों को 60,000 रुपए हॉस्पिटल में जमा कराने पड़े, उसके बाद ही उसका इलाज चालू कराया जा सका। नाम क्या है? दीनू जी। दीनू जी कहाँ के रहने वाले? हरियाणा के। बताएं क्या कुछ समस्या है? समस्या ये है जी, हमें अपने हमारे लड़के का कूला चेंज होने के लिए हम केडी अस्पताल आए थे। इन्होंने से पूछा था हमने आयुष्मानी कार्ड के लेके नहीं कि भाई ये कार्ड आपके पास चलेगा कि नहीं चलेगा। इन्होंने बोला था कि हम ये कार्ड हमारा हमारे यहाँ चलेगा। तो उस दिन से हमने आपसे उस बीच में भी इन्होंने से बोला था हमने कि हमारा ये कार्ड देख लो चला के नहीं चलता कि नहीं चलता नहीं चलेगा मन की चला तो दे चला तो लो इसको उस दिन ऑपरेशन होगा उस दिन चलाएंगे हम। अब क्या कह दिया आप ऑपरेशन टाइम पे? क्या कह दिया ऑपरेशन टाइम पे? 2 दिन पहले ये कह दिया जी भाई ये कार्ड तुम्हारा ना चल रहा है, हमारे से जो आयुष्मानी टीम है मथुरा की वो मना कर गई है हमसे। यानी कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है लेकिन आपका यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा, आपको किससे इलाज कराना पड़ रहा है? हमने इससे पैसों से इलाज कराना पड़ा। पैसों से? उन्होंने बोला था कि हमने कितने रुपये जमा किए हैं आपने? 60,000 रुपये जमा किए हैं। अच्छा, मरीज को एडमिट किए कितने दिन हो गए? 1 महीना हो गया जी मरीज के। जब आप किसी अधिकारी से किसी की बात कराते हैं तो क्या कुछ आश्वासन देते हैं? ये नु गई हमसे टीम ने मना कर रखी है, हम तो कुछ नहीं करेंगे। आपको डायरेक्टली बात कराई टीम से किसी से? नहीं कराई। नाम क्या है आपका? इसराइल। इसराइल जी कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव बिछोरे जी हमारा। बताएं आप केडी हॉस्पिटल में क्या कुछ समस्या है आपको? ये कि हम मतलब कूलर चेंज कराने आए थे छोटे भाई का, तो 1 महीने से वो एडमिट है। डॉक्टर साहब ने बोला कि इसका कूलर चेंज हो जाएगा। हमने बोला था हमारे पास आयुष्मान कार्ड है हरियाणा मतलब आयुष्मान कार्ड है। उन्होंने बोला था ठीक है हो जाएगा। तो 1 महीने के बाद अब उन्होंने ऑपरेशन का नंबर लिया तो 2 दिन पहले कार्ड चालू करा। 1 दिन कार्ड चालू रखा, दूसरे दिन हमसे मना कर दिया कि इसका ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा, अपना किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन कराओ इस कार्ड से। जैसा कि आपने 1 महीने तक आपको पेशेंट को यहाँ पर रोका गया है तो उसका चार्ज भी लगाया होगा इन्होंने? नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं लगा, दवाई इनका ही चार्ज लगा। अब कितने पैसे जमा किए गए हैं? अब तो हमारे ऑपरेशन के 60,000 रुपये जमा किए। 60,000 रुपये जमा। अब कब बताया गया था आपको कि आप ये आयुष्मान कार्ड काम नहीं कर रहा? परसों शनिवार को। 1 महीने से आपको बताया नहीं गया? नहीं बताया। अब क्या बोल रहे हैं लोग? अब देखिए ये तो मतलब तो वहीं कराओ अपने हरियाणा में जाके कार्ड। हरियाणा में कराइए कार्ड से। हाँ, जो पैसे जमा किए आपने उनका क्या होगा? वो ऑपरेशन कर रहे हैं हमारे पैसों से। अब पैसों से हो रहा है, पैसे नहीं हो रहा। यानी कि आपका आयुष्मान कार्ड नहीं चला? नहीं चला। कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें आपने एडमिट कराया मरीज को? केडी मेडिकल कॉलेज। क्या है आपका? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी कहाँ जॉब करते हैं? केडी मेडिकल कॉलेज। किस पद पे हैं? मैनेजर नेटवर्किंग। बताएं यहाँ पे कुछ हरियाणा के पेशेंट यहाँ पे परेशान है आयुष्मान कार्ड उनके पास है तो क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं उन्हें? कोई समस्या नहीं है, हमारी तरफ से पेशेंट को ब्रीफ कर दिया गया है कि उनकी जो समस्या है वो हरियाणा के सरकारी पैकेज में रिजर्व है, वहाँ जा करके अपना इलाज करेंगे। क्या कहीं ऐसा है कि आप हरियाणा के हो तो आपको हरियाणा ही इलाज कराना पड़ेगा? पेशेंट यहाँ कब भर्ती कराया गया था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, 3-4 दिन पहले ही आकर के मुझसे मिले थे तभी। पेशेंट बता रहे हैं कि 1 महीने पहले उनको एडमिट कराया गया था, उसके बाद आपने बताया नहीं और अब जब ऑपरेशन का टाइम आया तब उन्होंने आपने पैसे उनसे लिए और आयुष्मान कार्ड की मना कर दिया, क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? पेशेंट कब से भर्ती है ये मुझे नहीं आइडिया है, ना ही पेशेंट ने आयुष्मान काउंटर पर आकर के संपर्क किया है।
पैसे की बात रही, 4 दिन पहले उनको बता दिया गया है कि आपका जो ऑपरेशन होना है वो हरियाणा के सरकारी पैकेज में रिजर्व है, वहाँ जा करके कराएं। फिर भी वो अपनी स्वेच्छा से यहाँ कराना चाहते हैं तो चार्ज उनको बियर करना पड़ेगा। इसके लिए हमारा कोई फाउंडेशन नहीं है। हम 4 दिन पहले उनको बता चुके हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसलिए आपका यहाँ नहीं होगा, तो वो अपना सरकारी करा सकते हैं। उसके बावजूद भी मरीज अगर यहाँ कराना चाहता है तो फिर पैसे से कराए, हमें कोई तकलीफ नहीं। और भी यहाँ पेशेंट आते होंगे आयुष्मान के, बिल्कुल आपको पैसा लेना पड़ेगा जिस समय मरीज अगर हमारे पास आता है। देखिए, पैसा हम जबरदस्ती नहीं मांगते, हम सबको पूरी चीजें क्लियर कर देते हैं। आयुष्मान योजना में कोई पैसा नहीं लगता है। अगर कहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं सरकार की तरफ से, जो बाउंडेशंस हैं उस नियम, जो आयुष्मान योजना के नियम हैं उसके अकॉर्डिंग जो केस यहाँ हो सकते हैं, जो सरकारी में रिजर्व है, वो अगर उस तरीके कोई मरीज आता है तो हम उनको बता देते हैं कि आप जा करके अपना वहाँ करा सकते हैं। किस चीज़ का इलाज कराना चाह रहे थे यहाँ पे? कौन? ये वसीम। वसीम जी का कूलर साइड टूटा हुआ है, कूलर बदलना है। यहाँ पे काम नहीं होता है इसका? बिल्कुल होता है, कूलर बदला जाता है, रोज 2 से 3 कूलर बदले जाते हैं। पेशेंट का क्यों नहीं किया जा रहा? आपको मैं पहले जवाब दे चुका हूँ इस चीज का, कि जो इनका आयुष्मान योजना से जो लाभ लेना चाहते हैं वो सरकारी पैकेज के तहत बाउंड है हरियाणा में। इसकी जानकारी हमें CMO ऑफिस से मिली है, इसलिए हमने पेशेंट को बता दिया कि आप अपना हरियाणा जाके करा लें। अच्छा, 1 महीने से जो मरीज को यहाँ रोक के रखा है उसके बारे में आप क्या कहोगे? मेरे को कोई जानकारी नहीं उसके बारे में। 5/3/2019 में एडमिट हुआ है, उनके पास कागज भी है। वैसे तो मरीज साहब अस्पताल है, 1 महीने के जितने टाइम से भर्ती हो, जब हमारे पास संपर्क किया हमने उसी दिन बता दिया। ठीक,